हेलो दोस्तों, मैं हूं फर्रुख जमाल, आपका होस्ट, आपका दोस्त। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक मैं लेकर आया हूं। ये टॉपिक जो है वो हाल ही में पेश आए स्कैंडल से रिलेटेड है। जी हां, आपको पता तो चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं IDA के बारे में बात कर रहा हूं। ये एक एप्लीकेशन थी जिसे ट्रेडिंग ऐप तो नहीं कहा जा सकता। इस तरह बाइनेंस और दूसरी ऐप्स हैं वो तो ट्रेडिंग करती हैं करेंसी के ऊपर, कुछ कॉइन्स के ऊपर जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये ऐप जो थी ये एक खुलम खुला फ्रॉड थी। और बहसीयत पाकिस्तानी हम लोग जो हैं वो इस तरह का काम ढूंढते हैं कि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, हमें किसी किस्म का जो है वो काम ना करना पड़े, बस हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि वहाँ से हमें पैसा आना शुरू हो जाए, अर्निंग आनी शुरू हो जाए, बस कोई काम ना करना पड़े हमें। तो मेरी ज़बान में तो इसे हड्डरामी कहते हैं। ठीक है जी। अब उस एप्लीकेशन के अंदर क्या सिनेरियो क्या था वो उसके बारे में आपको बेहतर पता होगा। कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे कि जी इतने डॉलर बीच में जमा करवाएं और हम आपको इतना पैसा देंगे। एज ए बैंक की तरह का सिस्टम था, इस तरह बैंक जो है वो आपको प्रॉफिट देता है अपने डिपॉजिट के ऊपर। ये भी कुछ इसी किस्म का काम कर रहे थे, लेकिन इनका जो प्रॉफिट रेट था, जो इनका सूद था, वो उसकी शरह बहुत ज़्यादा थी। और एक और भी काम था कि जी आपने 30 क्लिक करने हैं रोज़ के जी इसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। इसका मकसद क्या है, 30 क्लिक करवाने का मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी ऐप जो हैं वो आ चुकी थी मार्केट के अंदर, और सेम सिनेरियो था उनका भी। वो भी पैसे डिपॉजिट करवाते थे, उसके ऊपर कुछ आपको प्रॉफिट देते थे, और फिर कुछ अरसे बाद, कुछ महीनों के बाद वो एप्लीकेशन बंद हो जाती थी और अच्छे खासे पैसे वो जो है लेकर चले जाते थे, और हम यहाँ पे सिर्फ मुंह देखते रह जाते थे। अब ये इस बार जो मामला हुआ, इसकी वजह शोहरत ये थी कि इन लोगों ने, IDA वालों ने प्रॉफिट की शराब ज़्यादा रखी। जो अर्निंग थी वो डॉलरों में हो रही थी, तकरीबन 2 से 3 डॉलर जैसे, अगर आप 35,000 रुपये तकरीबन जमा करवाते हैं या 35 से 40,000, तो 2 से 3 डॉलर जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। अगर आपके ज़रिए कोई और आपका ऐड होता है उस टीम के अंदर, यानी कि एक ग्रुप बन जाता था और उसी टीम के अंदर अगर आप कोई और मेम्बर्स ऐड करते हैं और अगर वो भी पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो उनके परसेंटेज के हिसाब से भी आपको कुछ पैसे वगैरह मिलते थे। ये तो शुरू से ही पता था कुछ लोगों को कि ये जो ऐप है ये एक ना एक दिन बंद हो जाएगी, और ये बंद हो गई है। ठीक है जी। अभी भी कुछ लोग आस लगाए बैठे हैं कि ये शायद चल जाए और हमारे पैसे जो हैं वो दोबारा रिकवर हो जाए। मेरे भाई, ये कोई नहीं चलनी। ठीक है जी। और आप इस तरह की ऐप से जो है वो बचा करें, इस तरह के शॉर्टकट जो हैं वो ना लिया करें, मेहनत करें, पैसे कमाएं। अब ये जो IDA वाले हैं ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये इंटरनेशनल माफिया बैठा हुआ है। ठीक है जी। जो इस किस्म के ममालक को टारगेट करता है जहाँ पर बेरोज़गारी या गुर्बत बहुत ज़्यादा हो, और ख़ासकर पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और इस तरह के ममालक जो हैं, इन लोगों को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। एक दफ़ा डबल शाह भी आया था हमारे पास, ही हमारे इलाके का था, तो वो भी यही काम करता था। वो पैसे लेता था लेकिन वो कैश में लेता था, और यहाँ पे तो जो है वो डॉलर्स में जो काम हो रहा है, और वो भी डिजिटलाइज। लेकिन ये इंटरनेशनल माफिया है और ये इसी तरीके से काम करते हैं। अब अगर ये IDA बंद हुई है, तो कोई और एप्लीकेशन इसी नाम से रिलेटेड, कोई इसी काम से रिलेटेड कोई और एप्लीकेशन जो है वो मार्केट में आ जाएगी, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। पाकिस्तानी जो है वो उस पर भी इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बाद आने वाले लोग, ये भी नहीं है, बड़े टीट लोग हैं, बहुत टीट लोग। जिस बंदे को पूछे ना, जिस हर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ था यार, हर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ था। गली मोहल्लों में जो घर की बीबियाँ हैं, जो घर की खवातीन, वो लोग भी ये काम कर रहे थे, और दूसरों को घर जा के बताते थे कि जी ये इस मोबाइल तो ना अर्निंग होंगी, ये बहुत पैसे कमाए जाते हैं ना, तुम भी ये इन्वेस्ट करो, तो मेरे थ्रू ही करवाया जे, होर किसी के थ्रू नहीं करवाना। जदों भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी, मैनू दस्या जाए।
ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप किस तरह से लोगों को फंसा आप सू के है जी, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा के तो उनसे इन्वेस्ट करवाया जाता है, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो तकरीबन 35-40 हज़ार दिन पहले तो उन्होंने जो है उसका विड्रॉ बंद कर दिया, जो आप प्रॉफिट वगैरह निकलवाते हैं, ठीक है जी, वो प्रोसीजर ही उन्होंने बंद कर दिया। और उससे ही लगने लगा था कि ये जो है ये जाने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन्हें उम्मीद थी कि नहीं जी है तो नेटवर्क की जी है ना खराबी सी, तो नेटवर्क की खराबी की वजह तो है जो मामला पेश आया, तो इन्हें चल जाना होने ही चल जाना। वो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई हुई थी ना, खासकर जिन लोगों ने बंदे घेरे हुए थे, ठीक है जी, हमारे ऑफिस में भी इस तरह के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है जी। हमारे ऑफिस का एक कुलीग है, उसने जनाब साहब ये जब ऑफर आई तो कुछ लोगों ने उसे कहा जी तू ही कर ला बड़ा चंगा रहेगा, किस्मत तेरी संवर जाएगी, है जी, दूसरा ब्याह हो जाएगा तेरा। लेकिन जनाब साहब उसने दौड़ तोड़ के 70,000 रुपये जनाब साहब इस एप्लीकेशन में जमा कराया और अगले ही दिन एप्लीकेशन बंद हो गई, ठीक है जी, उसका विड्रॉ बंद हो गया। और फिर भी उसे दिलासे दे रहे हैं कि नहीं ये चल जाएगी तू फिक्र ना कर, चल जाएगी। जनाब साहब अगले वो एप्लीकेशन ही उन्होंने बंद कर दी, उसकी सर्विस ही उन्होंने बंद कर दी एप्लीकेशन की। अब तो किसी किस्म का वैसे शुबा नहीं रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी उम्मीद है कि ये मुर्दा फिर से जिंदा होगा और जनाब साहब हमारी जिंदगियों में जो है ना उजाला करते हैं। तो मैं ऐसे अफराद को बस गालियां देना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह से निकल नहीं रही, ऑनलाइन मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं जाके ज़रूर दूंगा। अब मेरी आपसे ये इल्तमास है कि इस तरह की ऐप्स आती रहेंगी, आजकल डिजिटलाइज सोशल मीडिया का दौर है और इस तरह के झांसे आते ही रहते हैं, ठीक है जी। मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कुछ लोग इतने भोले बिसरे हैं, उन लोगों ने अपने बीवियों के जेवर बेच डाले जनाब साहब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, 15-20 लाख रुपया कुछ लोगों ने तो अपनी गाड़ियां बेच दी, मोटरसाइकिलें बेच दी कि जी पैसे जड़े ने असी डबल करने हैं, ठीक है जी। तो हुन तुसी मुंह वेंदे हो गए, इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, इससे ज़्यादा बोर हो जाएंगे। अब एक बंदा था, मैं उसका आपको इंसिडेंट बताता हूँ। उस बंदे ने अपने मोहल्लेदारों के अकाउंट बनवाए, ठीक है, और जा जा के उन्हें ऑफर कर रहा है कि जी मेरे से पैसे ले लें, जब आपके डबल हो जाएं तब मुझे आप वापस कर दीजिए, ठीक है जी। उसने तमाम मोहल्ले वालों के जनाब साहब अकाउंट बनवाए हैं और पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं, कुछ लोगों को उसने कर्जा दिया, कुछ लोगों ने खुद से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो सारे के सारे बढ़ गए। तकरीबन $5 अरब का जो है क्लेम वो तकरीबन मिनिमम बन रहा है जो पाकिस्तान से वो लेकर चले गए हैं, और इसका कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है जी। इंटरनेशनल माफिया बैठा हुआ है, कौन सा ये आपसे जी यहाँ पे उन्होंने कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर करवाई हुई है कि जी हमने यहाँ पे काम शुरू करना है, हुकूमत जो हमें NOC दे, ठीक है जी। इसका कोई NOC वगैरह नहीं होता, ना आपके ये पैसे वापस आ सकते हैं, ना किसी किस्म का केस बन सकता है, ये पैसे गए पैसे। उम्मीद है आप लोगों को नसीहत हासिल हो गई होगी, जिन लोगों को नसीहत नहीं आई उनका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।